स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मृत लड़की को सौंपे जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। हाजीपुर से चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। वैशाली, हाजीपुर सदर अस्पताल के NICU में भर्ती नवजात लड़का के जगह स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मृत लड़की को सौंपे जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। वहीं सदर अस्पताल में परिजनों द्वारा हंगामा की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मामले पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार राजापाकर प्रखंड क्षेत्र के बाकरपुर गांव निवासी मुर्तुज की गर्भवती पत्नी जरक्षा खातून पिछले 14 अप्रैल को उसके परिजनों ने प्रसव के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल लेकर आए, लेकिन रास्ते में ही जरक्षा खातून ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद प्रसूता को परिजनों ने हाजीपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अस्पताल कर्मियों द्वारा कहा गया कि बच्चा की मौत हो गई है। मृत लड़का की जगह लड़की सौंपने पर परिजनों ने किया हंगामा। अरे ना, लड़का पैदा हुआ है, लड़की घोषित कर रहा है लोग कि नहीं, रजिस्टर में यहाँ अभी मरा हुआ लड़की को घोषित कर रहा, रजिस्टर में यहाँ भी लड़का लिखा हुआ, वहाँ भी लड़का लिखा हुआ, तो फिर लड़की काहे के लिए लेकर के जाएगा आदमी? कब हुआ था ये चार दिन हो गया। आज एक बार खून कर रहा है कि हार्ट रुक गया है, सांस रुक गया, गार्जियन को बोला, जब गार्जियन यहाँ तो चुप्पे चोरी यानी कि लड़की को डेड बॉडी को माँ के संग में भेजा जा रहा। तो यहाँ बाद में जब चेक इन हुआ है तो चेक इन के बाद पता चला कि लड़का है, तो लड़का कहा कि लड़का कहाँ गया, लड़की क्यों लेकर के जाएगा, पैदा हुआ मेरा लड़का तो लड़की कहाँ लेकर के जाएगा, रजिस्टर में भी तो यहाँ लिखा हुआ, दोनों जगह रजिस्टर में लिखा हुआ कि मेरा लड़का, तो लड़की क्यों लेकर के जाएगा, गाड़ी में मेरा बोलेरो में हुआ है, अपनी गाड़ी आ रहा था उसी में लड़का पैदा हुआ है, जो लेकर के आया है हॉस्पिटल में भर्ती किया है लड़का। बताइए गाड़ी